रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे, और आज मैं हूँ मालवीय नगर में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा, और यहाँ पे है जी दो बुजुर्ग जो कि काम कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? पांडा प्रसाद। और आंटी आपका? बदामी। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की, और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं ये दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल। ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं, नहीं बिक पाते। चलिए कोई बात नहीं, आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ आपका, जितना भी खाना है आज सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूंगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो, आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। माय गॉड, मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने दाल बनाई है जी, मिक्स दाल बनाई हुई। अंकल क्या कीमत रखी है इसकी? हाफ प्लेट 30 रुपए का है। 30 रुपए का हाफ प्लेट है। चलिए और क्या बनाया अंकल? आलू सोयाबीन। अच्छा जी, क्या बढ़िया एकदम आलू सोयाबीन की सब्जी है। देखिए जी, तो आप और आंटी मिलके लग जाते हैं सुबह से बनाने के लिए जी। ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर। ओए होए, क्या बात है अंकल, कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? हमारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये, हमारी पास ये दुकानदारी हुई है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। इतनी बढ़िया आप सब्जी बनाते हैं अंकल, फिर भी नहीं बिक पा रही है। छोटे बाद में आपको एक बार अंदर आके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए आंटी यहाँ बेचारे, ये देखिए कितनी छोटी सी इनकी कुटिया जहाँ पे ये सारा खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद इतनी सी जगह पे ये सारा यहाँ पे काम ताम झाम करते हैं। वक्त सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन देखिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने कोशिश करना नहीं हारा, लेकिन हमें इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इन लोगों को, इन दोनों को, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ना मोबाइल नंबर दे दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा, और इनके पास मोबाइल भी नहीं है कि हम इनको कुछ हेल्प कर सके। चिंता मत करो अंकल, अब मैं आपकी जो ये वीडियो है ना, हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा वायरल करें, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी इनको हमारी जरूरत है, तो हम एक एक मुहिम चालू करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करेंगे, और जितना भी इकट्ठा होगा चंदा आपको और आपको आंटी को मैं खुद लाके दूंगा, और जितने भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर है हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां पे आके डोनेट कर सकते हैं, और जो भी डोनेशन होगी हम अगली वीडियो एक बार दोबारा बनाएंगे, और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए।